नमस्कार, मैं हूं वंशिका दुबे और आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव। नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्र सरकार ने विपणन मौसम 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की दी मंजूरी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 96% मतदान, 9500 मत पड़े, 400 सदस्यों ने नहीं किया मतदान, कल आएंगे परिणाम। केदारनाथ से फाटा आ रहे आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, 7 लोगों की मृत्यु। जापान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या मामले में यूनिफिकेशन चर्च के खिलाफ जांच के दिए आदेश। तेलंगाना आंध्र के 20 स्थानों पर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के तहत हुई कार्यवाही। केंद्र ने खाद्यान्नों की एमएसपी बढ़ाई, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा। पाकिस्तान से छीनी एशिया कप की मेजबानी, जय शाह बोले न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा टूर्नामेंट। बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बने रोजर बिन्नी, एनुअल जनरल मीटिंग में लगी मुहर। फिल्म ऊंचाई का ट्रेलर हुआ रिलीज, 11 नवंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। साउथ की अभिनेत्री सामंथा की आगामी फिल्म यशोदा 11 नवंबर को होगी रिलीज, तेलुगु, तमिल और हिंदी समेत अन्य भाषाओं में आएगी पर्दे पर।